गोइंग। 12 जून 2021 को गारू थाना क्षेत्र के पीरी गांव के गनई खाट टोले में शिकारी ग्रामीणों और पुलिस के बीच में कथित मुठभेड़ हुई थी। इस बात की पुष्टि 24/21 गारू थाना पुलिस करती है, मगर इस FIR के विरोध में जो पीरी ग्राम के गनई टोला गांव के लोग और जो पीरी ग्राम के लोग हैं एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर अब ये लोग उलगुलान के लिए आगे ये लोग बढ़ लो चुके हैं। और इस उलगुलान का नेतृत्व हमारे अखिल भारतीय खेरवार समाज के महासचिव जो हैं लालमोहन सिंह वो कर रहे हैं। अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि अब तक क्या प्रयास किया गया और प्रशासनिक स्तर से इन्हें क्या अब तक आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई हुई और आगे की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। हमारे साथ लालमोहन जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आज हम लोग ग्राम त्री के राजकीय मध्य विद्यालय त्री में के प्रांगण में बैठे हुए हैं। ये हम लोग का दूसरा ग्राम सभा है और घटना के दिन से लेकर के अभी तक जो हम ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहा है वो नियम संगत हम लोग अभी तक नियम संगत अभी तक हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग इस मामले को लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी हम लोग DC लातेहार और DSP लातेहार अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ मिल करके यहाँ के घटनाक्रम के बारे में विस्तारपूर्वक बताए हैं और लिखित रूप से दिए भी हैं। और जहाँ तक अभी तक का जो हम लोग का जो समझ में आ रहा है जो पदाधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, इसे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस मामले को लेकर के शासन प्रशासन के लोग गोल मटोल जवाब दे करके मामला को रफा दफा करना चाह रहे हैं। लेकिन हम सभी सामाजिक संगठन के लोग ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, जिससे आज हम सबों के साथ हम ग्राम सभा हम सामाजिक संगठनों के साथ धोखा हो रहा है, उसका हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी ब्रह्मदेव सिंह सहित 6 आरोपियों को जो अपराधी का रूप दिया गया है उससे मुक्त कराने के लिए हम सभी ग्रामीण तैयार हैं, सामाजिक संगठन तैयार है, इसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम लोग को चक्का जाम करना पड़े या जो भी कदम उठाना पड़े हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। पीरी ग्राम में आप देख सकते हैं कि अब ब्रह्मदेव की जो हत्या 12 जून को नेम सरहुल के दिन हुई थी इसको लेकर अब उलगुलान की आग यहाँ पर जलने लगी है। अब देखना है कि यह उलगुलान कितना संवैधानिक और कितना असंवैधानिक तरीके से होता है। और जो अब तक देखा गया है ग्रामीण बिल्कुल संवैधानिक तरीके से थाने को आवेदन दिए हैं, SP को आवेदन दिए हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री को अब आवेदन देने जा रहे हैं। लातेहार के गनई खाटोले से मनोज दत्त।